मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। हेलो हेलो, भाई बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर। कैसे होगा रोना धोना कम? फैंस को क्लाइमैक्स से क्या है डिमांड? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉली ब्रैड स्टूडियोज पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया में काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो आज बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान की किस्मत प्यार के मामले में कुछ खास अच्छी नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ ने इस किस्मत को इतना सीरियसली ले लिया था कि उन्होंने सलमान खान की किस्मत पर बेस्ड ही एक पूरी फिल्म बना दी थी 1994 में। 1994 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी जिसमें उनके साथ नजर आई थी मनीषा कोइराला और साथ ही फिल्म में नजर आए थे राहुल रॉय। आप सबको फिल्म तो याद ही होगी और आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मझधार फिल्म के बारे में। मझधार फिल्म बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी थी और इस लव स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल दिखाया था। इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि सलमान खान बने थे गोपाल, राहुल रॉय बने थे कृष्ण और वहीं मनीषा कोइराला ने किरदार निभाया था राधा का। तो आपको बता दें, तीनों बचपन के दोस्त होते हैं, तीनों आपस में बहुत अच्छे टर्म्स पर होते हैं। गोपाल को राधा से प्यार हो जाता है, कृष्ण को भी राधा से प्यार हो जाता है, लेकिन राधा को प्यार होता है सिर्फ कृष्ण से। आपको बता दें कि गोपाल जो है वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए, लेकिन मन ही मन वो आज भी राधा से बहुत प्यार कर रहे होते हैं। यहीं पीछे राधा और कृष्ण की लव स्टोरी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और जब गोपाल बड़े होकर शहर से लौटते हैं उसके बाद ये होता है कि राधा कृष्ण के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। राधा और कृष्ण ये बात सबसे छुपाते हैं और उन दोनों की आपस में शादी नहीं हो पाती इंटरकास्ट सिस्टम की वजह से। इसी के चलते राधा और गोपाल की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी राधा गोपाल को मन से अपना नहीं मान पाती। राधा एक बेटी को जन्म देती है और जन्म देते ही वो वहाँ से भाग जाती है। अब फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। ये दिखाया जाता है कि राधा और गोपाल दोनों की ही डेथ हो जाती है बहुत ही ट्रेजिक तरीके से। अब फिल्म के क्लाइमैक्स में हर एक इंसान फूट फूट के रोया था क्योंकि था ही इतना इमोशनल। अब आपको बता दें कि बहुत जल्द बड़े पर्दे पर हमें मझधार 2 देखने को मिल सकती है। मझधार 2 के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है फिल्म पुरानी स्टोरी को ही आगे कंटिन्यू करती दिखाई देगी। फिल्म में वो जो छोटी सी बेटी थी उसकी कहानी दिखाई जा सकती है। खैर, फैंस को लग रहा है अब जब फिल्म नहीं है तो फिल्म की स्टोरी भी थोड़ी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब वो पुराना जमाना तो था नहीं कि आप इमोशंस में ही बहते चले जाएं। अब ऑडियंस को चाहिए प्रैक्टिकल चीजें और उसी पर बेस्ड होनी चाहिए ये फिल्म। ऐसी है हमारी ऑडियंस की डिमांड। खैर, आपको क्या लगता है वीडियो के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।